नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि कयास लगाया जा रहा था, जैसा मैंने अपने वीडियो में भी 2 दिन बता दिया था कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिश मरलिना होगी, और वही हुआ है। अब बड़ा सवाल उठता है कि 10-15 पॉइंट मैंने गिनाने की कोशिश की है इस वीडियो में कि क्यों आतिशी को, जो अब आतिशी मरलिना नहीं कहलाती, आतिशी सिंह कहलाती है, क्योंकि वो सरनेम मरलिना से बीजेपी ने जब वो चुनाव लड़ रही थी तो ईसाई होने का कुछ आरोप लगा दिया था, इस तरह की बात कही थी। तो क्यों बनाया गया? पहली बात, इसलिए बनाया गया आतिशी को मुख्यमंत्री कि वो बहुत लॉयल हैं, सबसे ज्यादा विश्वस्त वो हैं मनीष सिसोदिया के बाद, इस समय जो पार्टी की स्थिति आम आदमी पार्टी में मनीष केजरीवाल की नजर में। एक और बात है कि वो महिला है। तीसरी बात है कि एलजी और केजरीवाल के बीच में बड़ी उठापटक होती रही है फाइलों को लेकर, साइन करना नहीं करने को लेकर, लेकिन आतिशी चूंकि महिला मुख्यमंत्री हैं तो एलजी के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे होगा फाइलों पर रोक लगाना, मोटे तौर पर उसका पॉलिटिकल मैसेज सही नहीं जाएगा। चौथा, महिला वोटरों में अरविंद केजरीवाल अपनी पैठ नए सिरे से बनाना चाहते हैं कि वो वाकई में ईमानदार हैं और उन पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे आरोप लगे हैं। ऐसे में आतिशी एक महिला मुख्यमंत्री के नाते ज़्यादा काम आ सकती हैं। और इसके साथ साथ बड़ी बात है कि महिला ओरिएंटेड योजनाएं वो शुरू करना चाहते हैं, समय कम है। एक वजह ये भी है कि समय कम है, इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था जो फाइल पर साइन करने से पहले 2 बार सोचे, तुरंत साइन कर दे। डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर तो रहने वाले हैं यही अरविंद केजरीवाल, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ और मंत्रियों के नाम चल रहे थे, जिसमें अगर सौरभ भारद्वाज को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पर कोई ना कोई आरोप भ्रष्टाचार का या किसी अन्य चीज घोटाले गड़बड़ का लगता रहा है, चाहे वो गोपाल राय हो चाहे कोई और दूसरा नेता हो, लेकिन आतिशी पर ऐसा कोई आरोप नहीं है। एक वजह यह भी है कि जब वो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे, मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, तो आतिशी ने मोटे तौर पर पार्टी को संभाला था, सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की पत्नी को भी संभाला था, ढांढस बधाया था, सबसे ज्यादा सक्रिय वही नजर आती थी। आपको ध्यान होगा स्वाति मालीवाल का केस हुआ था, तब भी उसको बड़ी चतुराई के साथ और बड़े राजनीतिक कौशल से स्वाति आतिशी ने हैंडल किया था। आपको ध्यान होगा जब केजरीवाल जेल में थे तो राघव चड्ढा इलाज करा रहे थे आंख का, पता नहीं कौन सा ऑपरेशन था, 2-2.5 महीने लंदन में थे, स्वाति मालीवाल शायद अमेरिका में अपनी बीमार बहन को देखने गई हुई थी, राज्यसभा के जो सांसद हैं कई 4-5 जिसमें हरभजन सिंह भी हैं, दूसरे भी कुछ भी हैं, उनका रवैया भी थोड़ा निराश हताश करने वाला था, कोई बयान तक देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था या ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ट्वीट कर रहा था, लेकिन तब आतिशी बहुत ज्यादा सक्रिय रही थी। एक और है कि आप कितने भी विश्वास को बना लो, लेकिन आपको हमेशा डर लगा रहता है कि दोबारा गद्दी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको पता ही है कि चंपई सुरेन को जैसे मुख्यमंत्री बनाया गया और कैसे उनको हटाया गया तो वो बीजेपी में चले गए, जीतनराम मांझी को भी मुख्यमंत्री पद से हटाने में नीतीश कुमार को बड़ी जोर अजमाइश करनी पड़ी थी, लेकिन आतिशी को लेकर किसी भ्रम में नहीं है अरविंद केजरीवाल। एक और उनके पक्ष में बात जाती है कि उनको बड़े मंत्रालय दिए गए, 10-12 मंत्रालय जो पहले सौरभ भारद्वाज के पास थे मनीष सिसोदिया की जेल में जाने के बाद, वो उनसे लेकर आतिशी में को दिए गए, तो आतिशी पर ज़्यादा यकीन अरविंद केजरीवाल शुरू से करते रहे हैं। जब शिक्षा विभाग संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, तो शिक्षा का पूरा एनवायरनमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस, स्कूलों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारा काम उनकी एक सलाहकार थी आतिशी, एक तरह से उन्होंने संभाला था, तो उनको उसका प्रशासनिक अनुभव भी, सरकार में अफसरशाही से जूझने का जो अनुभव है वो भी स्वाति मालीवाल आतिशी को काफ़ी हद तक हासिल है। ये भी एक वजह है कि उनको ये कार्यभार बनाया गया है। अब एक संकेत तो पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दे दिया था, जब 15 अगस्त को तिरंगा फहराने की बात थी तो उन्होंने एलजी को लिख कर दिया था कि वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से आतिशी तिरंगा फहराए, हालांकि एलजी ने वो मांग नामंजूर कर दी थी, वो कहानी अलग है, लेकिन अपना विश्वास तो तब कम से कम अरविंद केजरीवाल ने व्यक्त कर दिया था।
और आतिशी बीजेपी से भी जूझती रही। आपको ध्यान हो केजरीवाल जब जेल में भेजे गए थे तो आतिशी का भी एक बयान आया था कि अब मेरा नंबर है और दुर्गेश पाठक का नंबर है, राघव चड्ढा का नंबर है, मेरे एक करीबी रिश्तेदार को बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया और कहा कि हमारे साथ आ जाओ नहीं तो ईडी का छापा पड़ेगा और उसके बाद पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और पूछताछ घंटों करने के बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तिहाड़ जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तब भी उन्होंने खुलकर बीजेपी को चैलेंज किया था। यानी आतिशी एक इस तरह की नेता है जो डरने वाली नहीं है। अब चलिए एक बड़ा सवाल उठता है कि अब मुख्यमंत्री हो जाएंगी, कौन कौन मुख्यमंत्री होंगे, सात मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री समेत सात लोग ही मंत्री बन सकते हैं क्योंकि 70 की विधानसभा है तो 10% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। उसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी चाहते थे कि आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनका भी दबाव था। खैर ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन शीला दीक्षित के बाद दिल्ली को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिली है। देश में इस समय ममता बनर्जी के बाद वो दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं में पैठ बढ़ाने के लिए आतिशी सिंह का अरविंद केजरीवाल बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे देखना होगा कि उनके मंत्रिमंडल में क्या सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और बाकी जो पहले से मंत्री थे उनको लिया जाता है या प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को हटाकर कुछ नए लोगों को शामिल किया जाता है, क्या युवाओं चेहरे को बढ़ावा दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन उससे कोई बहुत फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा सूत्रों का कहना है क्योंकि सबको मालूम है कि 4 महीने की बात है 5 महीने की बात है फरवरी में चुनाव होगा जिसमें आम आदमी पार्टी दोबारा जीत कर आई तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ ले लेंगे। लेकिन आतिशी ने अगर बेहतर ढंग से काम किया, लॉयल्टी पूरी सिद्ध की और उस समय फरवरी में मान लीजिए आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाती है लेकिन अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो शर्तें हैं उसमें कोई रियायत सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, यानी उस फरवरी में भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं अरविंद केजरीवाल तो उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो इस समय लागू हो रही हैं, तो ऐसे में क्या फिर आतिशी को ही दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा? अब मुख्यमंत्री तो बना दिया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा आतिशी है, लेकिन विधानसभा चुनाव तो अरविंद केजरीवाल के अपने चेहरे पर लड़ा जाएगा, कुछ कुछ मनीष सिसोदिया का चेहरा होगा या ये त्रिमूर्ति नजर आएगी जिसमें मनीष सिसोदिया भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, आतिशी भी होंगे, जिसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपनी ईमानदारी के बिहाव पर रेफरेंडम की मांग कर रहे होंगे और आतिशी सरकार के कामकाज के आधार पर और महिलाओं के लिए किए गए काम के आधार पर वोट मांग रही होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और अब बीजेपी में क्या होगा, बीजेपी में क्या कोई मुख्यमंत्री पद के लिए किसी महिला चेहरे को पेश किया जाएगा, क्या स्मृति ईरानी का कोई नंबर लग सकता है? ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि एक बार किरण बेदी को बीजेपी लेकर आई थी लेकिन बुरी तरह से पिट गया था वो मामला और अब बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है तो नए सिरे से कोई नए नेता को सामने लाने की गुंजाइश निकलेगी। आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ी लिखी हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग हुई है, दिल्ली में जो लुटियन जोन या अपर मिडिल क्लास में भी उनकी पैठ है या उनके मिजाज से मेल खाती हुई है और फिर दलितों के बीच, महिलाओं के बीच उनका काम बोलता है क्योंकि जो सरकारी स्कूल है आमतौर पर यमुना पार और छोटे ऐसे इलाके में है जहां निम्न मध्यम वर्ग के लोग जाते हैं तो उनका कैनवास राजनीति का थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, विस्तार पा जाता है, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।